दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनका जो आधा सवर है चुनावों का वो लगभग पूरा हो गया है, यानी अब कुछ ही दिन मतलब एक सप्ताह चुनाव का बचा है और पूरी ताकत हर क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में झोंक दी है। दोस्तों, आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है बड़कल विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों में जबरदस्त टक्कर बताई जा रही है। यहाँ से विजय प्रताप सिंह पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो इस बार भाजपा के उम्मीदवार बने हैं धनेश अधलखा, जो पहले पार्षद रहे हैं और पंजाबी समाज से हैं, जबकि विजय प्रताप गुजर समुदाय से हैं और दोनों ही वर्गों की बड़कल विधानसभा सीट पर बड़ा मतलब काफ़ी अच्छी संख्या है। पंजाबी अच्छी संख्या में और गुजर भी ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि कांग्रेस बड़कल से किसी पंजाबी नेता को टिकट दे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन भाजपा ने फिर इस सीट से पंजाबी नेता को उतारा है। हालांकि पिछली बार भी सीमा त्रिखा पंजाबी समुदाय से थी, ब्राह्मण समुदाय से थी, इस बार जो है धनेश अधलखा पंजाबी समुदाय से हैं। तो देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव जो है अंतिम दौर की तरफ बढ़ने लगा है, तो जहां पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि बड़कल सीट पर आधिकारिक रूप से पंजाबी समुदाय का हक बनता था और कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने पंजाबी उम्मीदवार को टिकट दिया, तो उस नाते धनेश अधलखा पंजाबियों की गोलबंदी करने में लगे थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, चुनाव कब किस बात पर पलट जाए वक्त का पता नहीं चलता, और कुछ ऐसा ही हुआ। दो घटनाएं ऐसी घटी कि जब धनेश अधलखा चुनाव प्रचार के लिए व्यापारियों के बीच में गए, जो नंबर एक मार्टिन न्यू टाउनशिप की नंबर एक मार्केट जो फरीदाबाद की कनाट प्लेस मार्केट कहलाती है, सबसे भीड़ भाड़ वाली जो आबादी है इस मार्केट में है, और पूरे फरीदाबाद से बल्कि पूरे ज़िले से यहाँ ख़रीदारी करने लोग आते हैं। इसी उम्मीद में धनेश अधलखा, चूँकि भाजपा व्यापारियों की पहली पसंद होती है, पंजाबियों की भी पहली पसंद है, वो चुनाव प्रचार के लिए निकले, लेकिन उनका अप्रत्याशित रूप से बाजार में भारी विरोध होने लगा। पंजाबी व्यापारियों ने दूसरे व्यापारियों सैकड़ों की तादाद में बाजार में भीड़ को रोककर उनका विरोध किया और आरोप लगाया कि इस सरकार ने स्थानीय एनजीओ जो दशकों से दशहरा का त्यौहार मनाती आ रही थी उसको नहीं मनाने दिया और सरकारी तौर पर इस धर्म के कार्य को सरकार ने अपने हाथ में लेकर जिला प्रशासन उनको मनाने लगा, जबकि दशकों से सेवा समिति या जो इसी क्षेत्र के बड़कल क्षेत्र के जो कई धार्मिक समूह थे
उसमें भाटिया सेवक समाज है, सेवा समिति है और दशहरा को मनाने वाला ग्रुप है, उनसे छीनकर सरकार को दे दिया। शासन प्रशासन पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा, उसके लिए भारी विरोध, भरे बाजार में धनेश अदलका को सहना पड़ा कि तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारे पूरी पहले एमएलए ने हम लोगों के साथ ज्यादती की और हमारा अधिकार छीना, हमारा धार्मिक अधिकार छीना, और भी उन पर कई आरोप लगाए जिससे वहाँ काफ़ी तू तू मैं हुई। धनेश अदलका और उनके समर्थकों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, व्यापारियों का और पंजाबी समुदाय का। इस मार्केट में पंजाबी समुदाय की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, हालांकि सम्मिक्स रूप से और लोगों की है, लेकिन पंजाबी समुदाय का ये गढ़ है, ये बाजार जो है पंजाबी समुदाय का गढ़ है। तो जिस माहौल को वो गुजर और पंजाबी के उसमें बांटना चाहते थे, वही पंजाबी समुदाय, पंजाबी उम्मीदवार धनेश अदलका के खिलाफ खड़ा हो गया है। अभी इस विरोध से धनेश अदलका उबर भी नहीं पाए थे कि गत दिवस जब विजय प्रताप सिंह के हक में उसी मार्केट में गुरुद्वारे के सामने, गुरुद्वारा सिंह सभा के सामने कांग्रेस की जनसभा हुई, उसमें भारी जनसमूह उमड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम दशहरा को जो संगठन मनाते हैं हम उन्हीं स्थानीय संस्थाओं को देंगे, वही मनाएंगे और सरकार बीच में बिल्कुल नहीं आएगी। उस पर बहुत तालियां बजीं और जो जो भी समस्याएं थीं, हर समस्या को भूपेंद्र हुड्डा जी ने दावा किया, वादा किया कि कांग्रेस आप जो है विजय प्रताप को जिताओ, इसको विधायक बनाओ और विधायक सरकार बनाएंगे, और यदि मैं सीएम बना तो जितनी भी मांगें आप लोगों ने रखी हैं, जितनी भी इन दस सालों में समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी हैं, मैं पूरी तरह उन कानूनों को भी बदल दूंगा जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत ही मतलब बड़े अंदाज में श्री हुड्डा जी ने विपुल विजय प्रताप को सपोर्ट करने का बड़े सलीके से कहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी मंच पर जो भाजपा से मतलब भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, श्याम सुंदर कपूर अपने सैकड़ों समुदाय अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में, और उन्होंने भी पंजाबी समुदाय की श्याम सुंदर कपूर को वादा किया कि पंजाबी समुदाय को किसी भी तरीके की तकलीफ होने नहीं दी जाएगी, श्याम सुंदर कपूर और उनके साथियों को और पूरे पंजाबी समुदाय को कांग्रेस में पूरा सम्मान मिलेगा, कांग्रेस सरकार में पूरा सम्मान मिलेगा, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगें हैं, उनको पूरा किया जाएगा। श्याम सुंदर कपूर ने तो यहाँ तक कहा कि भाजपा ने उनके साथ भी गैरइंसाफी की, वो बड़कल क्षेत्र के वो स्थानीय नेता थे, उनका टिकट काटकर किशन पाल गुर्जर ने धनेश अदलका को दिलवाया, जबकि धनेश अदलका इस क्षेत्र का निवासी नहीं है, बाहर का निवासी है और बाहर से लाकर इस सीट पर पंजाबियों पर उसको थोपा गया। उन्होंने इस तरीके की बातें रखी
और उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा जो जिम्मेदार उन्होंने कृष्ण पाल गुर्जर को ठहराया पक्षपात के लिए। श्याम सुंदर ने अपने बयान में ये कहा है कि जो उम्मीदवार भाजपा ने उतारा है भड़कल क्षेत्र से, उस पर कई आरोप हैं, कई करोड़ के घपला करने का आरोप है, नगर निगम में जो 200 करोड़ का करोड़ों का घपला हुआ है उसमें धनेश अदलका का नाम है, जिसे कृष्ण पाल गुर्जर ने या सरकार ने अपने स्वार्थों के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। और उन्होंने दावा किया है कि ब्रज इस बड़कल क्षेत्र का अधिक से अधिक पंजाबी वर्ग कांग्रेस के साथ अब आ गया है, और जो जिस तरीके से उन्होंने पंजाबियों के सम्मान की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, उससे हम और पंजाबी पूरा समाज गदगद है, और हम कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और धनेश अदलका के खिलाफ विजय प्रताप की जीत लगभग तय है। हालांकि एक निजी बातचीत में धनेश अदलका ने मुझसे कहा था कि वो बाहरी बिल्कुल भी नहीं है, वो इसी क्षेत्र के NIT क्षेत्र के बड़कल क्षेत्र के हैं, और उनके उनकी बिरादरी के अदलका बिरादरी के ही 500 परिवार NIT नंबर 1, 2, 3, 5 और सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं, और वो इसी क्षेत्र के हैं। यदि मैं इस क्षेत्र का हूँ, फरीदाबाद का ही हूँ, लेकिन यदि दूसरी विधानसभा क्षेत्र से पड़ोस वाली विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ तो ये कोई आरोप नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, आरोप तो कोई भी लगा दे, लेकिन मुझ पर वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जब तक मुझ पर वो आरोप सिद्ध ना हो जाएं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, मेरी गिरफ्तारी ना हो, तो मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये उनका मतलब श्याम सुंदर कपूर के आरोपों का उनका जवाब है। अब कौन कितना सही है ये तो मैं नहीं कहता, हमने दोनों पक्षों की बातें रख दी, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर कपूर जैसे कद्दावर पंजाबी नेता के विजय प्रताप के साथ आने, चूंकि वो कई संगठनों से जुड़े हैं, व्यापारी नेता भी, उद्योगपति भी हैं, और कई पंजाबी गैर पंजाबी सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं, और भारतीय स्तर के उद्योगपतियों के संगठन के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कद्दावर नेता हैं, सैकड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। तो देखना ये है कि क्या जो पंजाबी वर्ग कई कारणों के चलते छिटकता नजर आ रहा था कांग्रेस से, क्या अब वो पंजाबी वर्ग कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, और जितने पिछली बार भाजपा समुदाय ने पंजाबी समुदाय ने भाजपा उम्मीदवार को जिताने का काम किया था, तो वही समुदाय इस बार विजय प्रताप को विजय श्री दिलाने के लिए काम करेगा। दोस्तों, यदि हम हवा की बात करें तो हवा तो कुछ न केवल फरीदाबाद में बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के हक में बहती नजर आ रही है। भाजपा का ग्राफ न केवल फरीदाबाद में बल्कि 90 विधानसभाओं में ज़्यादातर में जो खबरें आ रही हैं, मिल रही हैं पूरे हरियाणा से, पत्रकारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस नाते तो फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में भाजपा का ग्राफ नीचे गिरता नज़र आ रहा है।
लेकिन कौन कितने पानी में है, क्या कमल मुरझाएगा या पंजा, कांग्रेस का हाथ का पंजा कमल पर भारी पड़ेगा, देखते रहिए देश रोजाना। 8 अक्टूबर के दिन का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन चुनाव परिणाम निकलेंगे और असली विजय श्री किसको मिलती है, विजय प्रताप को मिलती है या भाजपा का उम्मीदवार तीसरी बार यहाँ से जीतता है, या पूरे हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस विजय श्री प्राप्त करती है, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से भाजपा के खिलाफ भी नज़र आ रहे हैं और बड़कल क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार धनेश अदलका को भी कई तरीके की परेशानियों का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच जनता फैसला क्या करती है वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।